हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो गाइस। तो आज आपका गेम बोर्ड आ चुका है आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके। प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शायद से आप लोग को बहुत ही यूज़फुल लगे ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो है गन कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं एंड बहुत लोगों के माइंड में अभी भी है कि भाई कौन सी गन कॉम्बिनेशन अच्छी होती है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाकर कुछ और गन ले लेते हैं या वैसा वैसा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम एक बहुत ही यूज़फुल पॉइंट्स बताने वाले हैं हर गन कॉम्बिनेशन को लेके। तो आइए गाइज, चलते हैं अपने पहले गन कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो गाइज, पहला गन कॉम्बिनेशन है अगर जो लोग स्नाइपर यूज़ करते हैं उनके लिए, कि आप लोग स्नाइपर के साथ बहुत लोग एआर की गन लेते हैं या फिर कुछ अलग गन लेते हैं, तो मैं उनको बस एक ही चीज़ प्रीफर करूँगा कि अगर आप स्नाइपर ले रहे हो तो प्लीज़ P90 लो, क्योंकि P90 एज अ शॉर्ट रेंज भी और एज अ लॉन्ग रेंज भी काम आती है। क्योंकि P90 में फोर स्कोप भी लग सकता है, टू स्कोप भी लग सकता है, ऑटो हेडशॉट भी हो सकता है, जूम इन जूम आउट भी हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से स्नाइपर के साथ P90 बहुत ही सही जचेगी यार, मतलब बोलते हैं ना माशाल्लाह कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। आइए चलते हैं गाइज दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है गाइज AI के साथ, AR गन के साथ। तो बहुत लोग AR गन के साथ MP40 लेते हैं, तो मैं उनको बोल दूँ कि हाँ भाई MP40 भी है ये कॉम्बिनेशन में, बट वो बोलते ना कि अगर बाई चांस, मतलब बोलते हैं खुदा ना खास्ता आपकी AI की गन की एमओ खत्म हो गई और आपके पास फोर स्कोप है, तो आप उसको P90 में शिफ्ट करके एज अ लॉन्ग रेंज भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि P90 बहुत ही यूज़फुल गन है लॉन्ग रेंज के लिए भी, शॉर्ट रेंज के लिए भी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्नाइपर के लिए भी मैंने P90 ही रखा था, AR की गन नहीं रखी थी। तो यही है गाइस कि अगर आप लोग P90 लेते हो तो आप लोग को दो दो जगह से वो यूज़फुल हो सकती है। MP40 बस एक ही जगह से कि हाँ भाई शॉर्ट रेंज पे आया तो मारने के लिए। तो चलते गाइस तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। तीसरा कॉम्बिनेशन है गाइस वापी से P90 ही और ग्रेनेड लॉन्चर, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे ग्रेनेड लॉन्चर के साथ AI की गन रखते हैं ताकि मतलब बोलते हैं फ़ायदा हो सके उनको लॉन्ग रेंज को चलाने के लिए। बट वॉट इफ़ उन लोग शॉर्ट रेंज पे है, क्योंकि अगर ग्रेनेड लॉन्चर है शॉर्ट रेंज पे इस्तेमाल करोगे तो अपने ऊपर भी डैमेज जाता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे अगर P90 रहेगा AI गन की जगह P90, तो लॉन्ग रेंज प्लस शॉर्ट रेंज आप लोग देख सकते हो। तीनों कॉम्बिनेशन P90 भी अभी तक टॉप पे है, क्योंकि P90 एक ऐसी गन है UMP के बाद जो मतलब बोलते हैं बहुत ही सही चलती है चलाने में और शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में भी। आइए चलते गाइस फोर कॉम्बिनेशन की तरफ। तो स्पास और P90 मतलब दोनों ही शॉर्ट रेंज की गन है, बट वॉट इफ़ अगर आपके पास AR की गन नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में अगर आपके पास AR की गन नहीं मिली या आप कोई चैलेंजेस करना चाहते हो अपने साथ, तो मैं बोलूँगा कि ये चैलेंज बहुत ही बेस्ट है एक SMG की गन और एक शॉर्ट गन, क्योंकि P90 एज ए AR गन भी चलती है गाइस। चला के देखो, सच बोलता हूँ गाइस, P90 ले के देखो, स्कोप लगा के देखो, अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो गाइस देख लेना। तो स्पास और ये मैं खुद चैलेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा मेरे लिए भी और बोलते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी, कि SMG प्लस स्पास, क्योंकि स्पास तो भाई शॉर्ट गन के लिए है ही और P90 शॉर्ट रेंज और बोलते हैं ना लॉन्ग रेंज के लिए, दोनों के लिए। अब ये गाइज जो मतलब बोलते हैं सबसे पीछे, और आई थिंक बहुत लोग MP40 यूज़ करते हैं AI के साथ। सही है गाइज कि AI के साथ आप MP40 यूज़ करते हो, क्योंकि MP40 शॉर्ट रेंज के लिए आज के टाइम में सबसे बेस्ट गन है। बट वॉट इफ़ अगर आपके पास AR एमओ ख़त्म हो जाए, बंदा दूर है, आप P90 से 8-8 का डैमेज दोगे या 10-10 का डैमेज दोगे, तो वही चीज़ है गाइस, थोड़ा सा वर्क करो अपने MP40 को लेके, P90 इस्तेमाल करना चालू करो, क्योंकि P90 मेरे ख्याल से लॉन्ग रेंज के लिए भी बहुत ही अच्छी है गाइस। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि MP40 ठीक है, बट लॉन्ग रेंज के लिए ज़रा आप लोग देख लो गाइस, एक बार वर्क करो P90 को लेके। और अब आते हैं गाइस कि AR और स्पास। AR और स्पास इसलिए गाइस क्योंकि AR जो है, AR की जो गन है कोई भी गन, ठीक है ऐसे नहीं कि एक ही, बट AR की कोई भी गन ले लो, एक टाइम पे स्पास वॉज द बेस्ट गन, मतलब स्पास बोले तो शॉर्ट गन वॉज द बेस्ट, मतलब होता है शॉर्ट रेंज गन। जब से ये MP40 और P90 आया तब से ये इनका जो स्कोप है वो चला गया, बट अभी भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, स्पास और शॉर्ट गन एक नंबर है, मतलब दोनों भी सेम है बट शॉर्ट गन हम किसी और को बोलते हैं, वो दोनों भी एक नंबर गन है भाई। मतलब अगर हाई, मतलब आप किसी घर में हो और बंदा ऊपर नीचे से आ रहा है, स्पास की एक गोली या शॉर्ट गन की एक गोली, मतलब जो M4A1 जो M14 है क्या उसका नाम मैं भूल गया, उसकी एक गोली लगेगी बंदा डाउन हो सकता है। तो यही है गाइज आज के लिए ये कॉम्बिनेशन बस। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, एंड प्लीज़
P90 इस्तेमाल करना स्टार्ट, क्योंकि P90 बहुत ही अच्छी गन है गाइस। तो चलिए चलते हैं गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।